हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मेनिया बाई सीएम तिवारी में। ठीक है, आज हम लोगों की पहली वीडियो है, इसलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चन हैं। आपको इन टॉप 10 क्वेश्चन को देखना है, समझना है और इसका सही आंसर करना है। ठीक है ना, 10 के 10 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको करिए। पहला ऑप्शन दिया गया है बाबर, सेकंड है अकबर, तीसरा है हुमायूं और चौथा है औरंगजेब। देखो, इसमें अगर हम बात करें ये इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में आया है। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो तो उसमें ये क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। क्या है? अकबर है। ठीक है, अगर हम बात करें अकबर के बारे में, तो अकबर के बारे में एक क्वेश्चन और आता है कि अकबर के संरक्षक या अकबर के अभिभावक कौन थे? तो वो थे बैरम खान। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और आता है, भाई जो अकबर हैं ये आपके मुगल वंश से संबंध रखते हैं, और एक क्वेश्चन बनता है कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, 1526 ईस्वी में हुई थी। 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बैरम खां, सॉरी, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है ना, जिसमें बाबर जो हुआ था विजयी हुआ था और वहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और एक क्वेश्चन आता है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है? ठीक है ना, तो जो अकबर का मकबरा है ये है सासाराम में। कहाँ पर है? सासाराम में। यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो क्लियर करेक्ट आंसर है वह है 1925 में इसका क्या हुआ था, रेलगाड़ी पहली विद्युत वाली चली थी। बात करते हैं भाप वाली, जो भाप वाली गाड़ी चली थी वो सबसे पहले चली थी 1853 ईस्वी में। ठीक है ना, कितने किलोमीटर चली थी? 35 किलोमीटर वो गाड़ी चली थी। ये भी पूछा जा चुका है कि कितने किलोमीटर वो गाड़ी चली थी, 35 किलोमीटर चली थी। ठीक है ना, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ। राजा बीरबल की उपाधि किसे दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दिया गया था, या सेकेंड टाइप क्वेश्चन बनता है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, यानी मूल नाम क्या था। बीरबल तो इनका नाम नहीं था ना, पहले इनका वास्तविक नाम कुछ था, बाद में इनको बीरबल की उपाधि दी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन है महेश दास, राजा भगवान दास, बनामली दास और राजा टोडरमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महेश दास। यहां तक क्लियर हो गया ना? आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। पीने के पानी में क्या मिलाने से दांत नहीं गिरते हैं? एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी में साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा उसमें साइंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी का ही है। देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमाइड, तीसरा है फ्लोराइड और चौथा है आयोडाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लोराइड। कौन सा है? फ्लोराइड है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहां तक? चलिए, इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि भारत का प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन था उसको कौन लूट कर ले गया। तो आपके ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, तैमूरलंग, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह। ठीक है ना, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो नादिर शाह था ये लूट कर ले गया था इसको। कौन लूट कर ले गया था? नादिर शाह ले गया था। अगर हम बात करें, अभी हम लोगों ने पानीपत के पहले युद्ध के बारे में बात किया था जो 1526 में हुआ था। सेकंड युद्ध बात करते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ठीक है ना, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। यहां तक क्लियर है ना आपका? चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2019 के रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, तो ये आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। पहला ऑप्शन है अरुणा आसिफ अली, सेकेंड है भीखाजी कामा, तीसरा ऑप्शन है दुर्गा भाभी ने या चौथा ऑप्शन है कमला देवी ने। आपको इसमें सही आंसर बताना है। ठीक है, चलिए 5 सेकंड का समय है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बन जाता है भीखाजी कामा। भीखाजी कामा ने सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया था। अब अगर हम बात करते हैं इसमें आगे की तरफ,
तो इसका जो डिजाइन है तिरंगा का, ये 3:2 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है? 3:2। ये इंपॉर्टेंट है चीज, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि तिरंगे की जो शेप है यानी जो आकार है आयताकार है ना, तो इसमें आयताकार का जो रेशियो पूछा गया है किस रेशियो में है, तो 3:2 यानी अगर 3 मीटर लंबा होगा तो 2 मीटर चौड़ा होगा। एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया, तो भारतीय तिरंगे को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। क्लियर है ना? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्लियर है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों गोल में सम्मेलन में कौन से नेता ने भाग लिया था, क्योंकि और किसी नेता ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था सिर्फ एक को छोड़कर, और वो कौन थे? वो थे आपके भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी ने किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहां तक क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम बात करते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल परेशान ना होइए, सारी चीजें, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं आपको जो कल सुबह की वीडियो आएगी उसमें हम आपको बता देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है ना? या ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। चलिए देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है? बिल्कुल, जो हम पॉइंट बोलते जा रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो तो वही है, उसके अलावा भी जो हम पॉइंट बोल रहे हैं, इसको आपको क्या करना है, एक कॉपी लेना है, उसमें लिखते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए चलना है। ऑनलाइन में जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर आप पढ़ोगे उधर भूल जाओगे आप, ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। देखो, सबको पता है कि जो जनगण मन था, ये इस गीत को गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, इस गीत को लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये गाया कब गया, तो ये सबसे पहले गाया गया था 1911 ईस्वी में गाया गया था, ठीक है ना? कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में गाया गया था। लेकिन ये प्रकाशित कब हुआ? प्रकाशित हुआ ये 1912 में, ठीक है ना? किस नाम से प्रकाशित हुआ ये? भारत विधाता के नाम से ये प्रकाशित हुआ। किसके नाम से? भारत विधाता, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, और आपको बताइए कितने सेकंड लगते हैं राष्ट्रीय गान जनगणमन करने में? तो 52 सेकंड लगते हैं, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये सबको पता है। चलिए, जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर हम बात करें जीएसटी का फुल फॉर्म, जो बहुत बार एग्जाम में आया है, गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और पहले अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो हैं, बताइए आप लोग कौन है? अरुण जेटली जी हैं, ठीक है ना? जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली जी थे। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था, देखो कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है ना? यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया ना ये चीज? चलिए, तो यहां तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? बाकी हम लोग कल मिलेंगे सुबह के समय, आज हम लोगों का सिर्फ 10 क्वेश्चन था, कल से हम लोगों का कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, यानी मुगल वंश पढ़ेंगे, फिर गुलाम वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे, यानी पूरा टॉपिक वाइज होगा, एक एक चीज क्लियर होगा, ठीक है ना? अभी हम लोगों ने थोड़ा देख लिया कि लॉकडाउन में आप लोग थोड़ा बैठे थे, कुछ भूल तो नहीं गए, बस इसीलिए हमने इस चीज को कर दिया है। फिर ऑनलाइन क्लासेस मैं मैथ वाली भी करवाऊंगा, ठीक है ना? मैथ की क्लास, बस थोड़ा सा इक्विपमेंट नहीं आ पाया ना अभी, क्योंकि थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है, इक्विपमेंट आने के बाद में मैं सीधा आपको ऑनलाइन मैथ की क्लासेस करवाऊंगा और लाइव भी आऊंगा, इसलिए कोई परेशान ना होइए। और हाँ, अगर पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, इसमें आप लोगों के सहयोग की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी कल